दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द स्पेटर कप। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश गिल्टी ग्रेड प्रोक्टर भर्ती को लेकर, और इसका जो भर्ती का विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होगा, इसके विषय में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और टोटल पोस्ट जो है इसमें है 7814, और जो नियमावली की जितनी अड़चने थी अर्हता को लेकर या तमाम प्रकार की, वो सारी अड़चने अब दूर हो गई है, आयोग ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो आइए इसको हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं। जो न्यूज निकल के आई है वो आपके सामने है, राजकीय विद्यालयों में एलपी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का मामला, निवाली की अड़चन हुई दूर, 7814 पदों पर भर्ती जल्द। तो देखिए ये काफी समय से लंबित था, एलपी ग्रेड के 7814 पद हैं खाली, राजकीय विद्यालयों में एलपी ग्रेड के 7814 पद खाली हैं, पुरुष वर्ग में 4771 और महिला वर्ग में 3043 पद रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता पुरुष वर्ग की अगर बात किया जाए तो इसमें 496 और महिला वर्ग में भी सैकड़ों पद खाली हैं। इससे पहले आयोग ने राजकीय विद्यालयों में 15 मार्च 2018 को एलटी की जो है 10768 ग्रेड शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी, लेकिन उसमें अर्हता को लेकर कई विवाद सामने आए थे। ये इसमें भर्ती जब भी होती थी तो अर्हता को लेकर हमेशा दिक्कतें आती थी, भर्ती फंस जाती थी। उसके बाद 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 1473 पदों का चयन प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें भी अर्हता संबंधित विसंगतियां सामने आई थी। तो कुल मिला के ये अर्हता वाला विवाद था, ये हमेशा लगा रहता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि आयोग ने इसको ही पूरी तरीके से, जो अर्हता की दिक्कतें थी उसको अब दूर कर लिए, जो भी अड़चने थी वो दूर हो गई है। आइए देखते हैं पूरा मामला। तो देखिए प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलपी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली की अंतिम अड़चन भी दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट ने नियमावली की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजकीय विद्यालयों में रिक्त चल रहे सहायक अध्यापकों के 7814 और प्रवक्ता के सैकड़ों पद पर भर्ती होगी। तो देखिए जो अड़चने थी, जो समस्याएं थी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसको दूर करके जो है कैबिनेट को भेज दिया है। अब जैसे ही वहां से वो पास होता है उसके बाद 7814 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिंदुओं पर आपत्ति लगाते हुए लोक सेवा आयोग ने 8 अगस्त को वापस भेज दी थी। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर तस्वीर साफ करने को कहा था और ताकि चयन के बाद कोई दिक्कत न आए, कोई अड़चन न आए। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों से सलाह लेते हुए आपत्तियां दूर कर ली गई है। इसी के चलते सहायक अध्यापकों और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती रुकी हुई थी। देखिए तो जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके सलाह और सब कुछ अड़चने जो है दूर हो गई है, अब कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोक सेवा आयोग की अब इसको पास कर ही देगा क्योंकि सब कुछ क्लियर हो गया है। अब बात कर लेते हैं प्रौद्योगिक छात्रों का कैंडल मार्क। तो देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराए जाने को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने शनिवार शाम 5:30 बजे मनमोहन पार्क से सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया है। 2 दिन परीक्षा कराने से नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण का विरोध कर रहे छात्रों ने शुक्रवार को शिवाजी पार्क मंगोलगंज में बैठक की। आंदोलन टीम ने तय किया कि कैंडल मार्च निकाल विरोध दर्ज कराएंगे। इसमें छात्रों का लगातार विरोध जारी है। उनका यह कहना है कि अगर 2 दिन में परीक्षा की जाएगी तो उससे नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें तमाम अड़चने आती है, तमाम समस्याएं आती हैं, कम नंबर वाले ऊपर चले जाते हैं, ज्यादा नंबर वाले रह जाते हैं, तो ये सब ऐसी तमाम दिक्कतें आती हैं। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी यह है कि जो एलपी ग्रेड प्रवक्ता की जो भर्ती का मामला था 7814 पोस्ट की, उसके सब कुछ अड़चने दूर हो गई है और ऐसे में ये भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।